हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज शिक्षा। एई वीडियो रे आमे जानिबा दशम श्रेणी रो जीव विज्ञान बहीर प्रथम पाठ पोषण रो आलोक प्रक्रिया विषय रे। केते जना पिला कमेंट करथिले जे आलोक प्रक्रिया समान किछि अबुझा रहउछि आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया। तेणु आलोक प्रक्रिया पई गोटे स्पेसिफिक भिडियो एवं अंधकार प्रक्रिया पई मध्ये गोटे स्पेसिफिक भिडियो करा जीव। ता पूर्वर कहउछि जे पोषण को पूरा एंटायरली कवर करा जाइछि आम चैनल रे जाई तुम्हें देखि पारिब। तबे चलो आरंभ करिबा आलोक प्रक्रिया विषय रे। आम पूर्व जानी आलोक शेषण को दुईट प्रक्रिया विभक्त कर आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया। प्रथम प्रक्रिया हूँ आलोक प्रक्रिया। एठी कौन हुए जो रही उद्भिद कोषर क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकोइड तार झिल्ली भितर को कौन कर प्रथम आलोक प्रवेश कर सूर्यालोक हो कि अन्य कौन से आलोक हो। तेणु थाइलाकोइड झिल्ली भितर को आलोक प्रवेश कले से आलोक प्रक्रिया संपादित संगठित होता है। एहाकु दुईटी पर्यायर विभक्त करा जायछि प्रथम पर्याय और द्वितीय पर्याय। प्रथम पर्याय कौन होछि देखिबा वर्तमान। प्रथम पर्याय रे क्लोरोफिल अणु गुड़िक ग्रहण करथिबा आलोक शक्ति को परस्पर स्थानांतरित करि शेषरे आलोक प्रक्रिया प्रतिक्रिया केन्द्र रे पहुंचै थांति ताहाकु P700 बा फोटोसिस्टम 1 बोली कह दे थाय। तमहु किछि तळे डायग्राम करि बुझैछि देख जे एडा मनकर गोटे आलोक रश्मि बोली भाबिनियो ताहा क्लोरोप्लास्ट जो रही थाइलाकोइड झिल्ली भितर को प्रवेश कले थाइलाकोइड भितर से कौन करेंगे परस्पर को क्लोरोप्लास्ट गुड़िक स्थानांतरित करेंगे क्लोरोफिल गुड़िक स्थानांतरित करेंगे शेष पहुंचे P700 बा फोटोसिस्टम 1 रे पहुंचे। नेक्स्ट कौन हम वर्तमान जानवा यही जो चित्र तुम लक्ष्य करुच यह शेष भल भाव वर्णना करी कवर है। तेणु क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए जिते आलोक रश्मि गोटे क्लोरोफिल पड़ी थाए उद्दीपित अर्थात से अधिक शक्ति संपन्न हो जाए तो से अधिक शक्ति संपन्न एक इलेक्ट्रॉन बाहर क्लोरोफिल भितर को जिते अधिक परिमाण में आलोक गति कर अधिक एनर्जी ग्रहण कर गोटे इलेक्ट्रॉन को सी त्याग करोटा P700 ठीक अच्छे आलोक प्रतिक्रियार केन्द्र से गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी आस इलेक्ट्रॉन टी केतक बाहकोण बाहकोण अर्थ हूँ जी इलेक्ट्रॉन को बहन करी नेउची कहा पाख को नबो सहकारक जी होची NADP+ बुझिला पिला माने जे गोटे इलेक्ट्रॉन टी बाहरला P700 रो ता किछि बाहकोण जहा साथिरे से जाई थाए जाई गोटे सहकारक पाखरे पहुंचिला से सहकारक टी होची NADP+ से सहकारक पाखरे पहुंचिला परे से NADP+ ता विज्जारित होइगला इलेक्ट्रॉन टी पाई एवं परिणत हला NADPH ठीक अच्छे NADPH परिणत हो गला। तापर कौन है द्वितीय पर्याय आरंभ हला देखो ये आसला NADP+ टी ता इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर विजारित हला नेक्स्ट है NADPH ये बुझला। वर्तमान आम द्वितीय पर्याय टी बुझा देख द्वितीय पर्याय कौन हम P700 रु इलेक्ट्रॉन टी आसीथिबारु इलेक्ट्रॉन रो शून्यता हला P700 रु कौन हला गोटे इलेक्ट्रॉन टी पलैसा ताप है स्थान गोटे इलेक्ट्रॉन रून्यता हो गला से देखा तेनाली इलेक्ट्रॉन रून्यता है तेणु ताक पूरण करने P680 कहते फोटोसिस्टम 2 गोटे इलेक्ट्रॉन आए ये P700 रु गोटे इलेक्ट्रॉन पलैसी ताकि आसला P680 गोटे इलेक्ट्रॉन आसला से शून्यता को पूरण करने तेणु कौन है प्रक्रिया जो थाइलाकोइड जल अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अम्लजान निर्गत है प्रोटॉन जमा है अवक्रम बल अवक्रम बल कहला यहाँ बुझे कौन है जे जिते बड़े इलेक्ट्रॉन ये भाव में स्थानांतरित कंटिन्यूसली चल रहा ये अन्य को देखिए देला भाव में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस गति जो थाइलाकोइड झिल्ली रे थाइलाकोइड कौन है जल अणु उद्भिद जल संग्रह करते से जल रु कौन निष्कासन है इलेक्ट्रॉन किसी निष्कासन है प्रोटॉन है तहत अम्लजान निर्गत है जो कौन है गोटे अवक्रम कि बल सृष्टि से ताक जानवा से अवक्रम जो बल जो कौन है ADP परिणत है एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टा ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रे परिणत है अवक्रम बल जो इलेक्ट्रॉन गति कला तेणु अवक्रम बल सृष्टि है ADP रे परिणत मुख्यतः आम बुझाक गले आलोक प्रक्रिय आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल
ରେ ଥିବା ଜଳରୁ ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ କ'ଣ ହେଲା ପରିଣତ, ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ଟି ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ରେ ଏବଂ ଏଡିପି ଟି ଏଟିପି ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଏଠାରେ କିଛି ଟପିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ଆଉ ଏଟିପି ଟି ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟିଏରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆଗରେ ପଢ଼ିବା। ଖାଲି ଏପରି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ଆଉ ଏଟିପି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସାରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶଟି ହେଉଛି ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ଟି ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ରେ ଏବଂ ଏଡିପି ଟି ଏଟିପି ରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ତାର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ଟି ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ରେ ଏବଂ ଏଡିପି ଟି ଏଟିପି ରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖେଇଥିଲି ତାହାକୁ ଏବେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଥିବା ଯେଉଁ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ P700 ରହିଛି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଡିପି ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଟିପି ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏଡିପି ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାହାକୁ ଦେଲା ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷ ଦେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ଡାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। କେଲ୍ଭିନ୍ ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି, କେଲ୍ଭିନ୍ ମେଲଭିନ୍ କେଲ୍ଭିନ୍ ଯିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଏଠାରେ କ'ଣ କଲା, ଏଟିପି ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ନେକ୍ସଟରେ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଏଟିପିକୁ ଏଡିପିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ପୁଣି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଇଦେଲା, ନେକ୍ସଟରେ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ରେ ପରିଣତ କରି ପୁଣି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିବ, ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଏଟିପି ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଚ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେବ O2, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହିଁ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କର, ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।